क्वेश्चन नंबर थ्री द गिवन यू ट्राइंगल आर एस टी सिमिलर टू ट्राइंगल एक्स वाई जेड। यहाँ पे एक्स का वैल्यू 40 डिग्री दिया हुआ है, आर एस इज 4.5 सेंटीमीटर, एस टी इज 5.7 सेंटीमीटर। फर्स्ट वी हैव टू लुक एट द अल्फाबेट, वेदर अल्फाबेट दोनों में कॉमन है क्या। यहाँ पे आर एस टी है, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड, यहाँ पे ट्राइंगल आर एस टी है। इसका मतलब नो अल्फाबेट इज कॉमन, सो नो वर्टेक्स इज कॉमन बिटवीन बोथ द ट्राइंगल। तो हम लोग अलग अलग ट्राइंगल निकाल सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, एक बार हम लोग को आर एस टी सिमिलर आ गया एक्स वाई जेड को, हम लोग सी एस एस टी डालेंगे नहीं तो सी एस टी डालेंगे। यहाँ पे हम लोग को एंगल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल आर एस टी इज इक्वल टू 40 डिग्री दैट इज गिवन टू अस। तो हम लोग लिखेंगे एंगल आर एस टी इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे हम लोग, सी ए एस टी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, करेक्ट। तो y का वैल्यू हमारे पास है 40 डिग्री। अभी व्हाट इज बीइंग गिवन टू यू, आर एस का वैल्यू है 4.5, आर एस इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड एस टी इज इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, ये हम लोगों को दिया हुआ है, करेक्ट। प्लस दे हैव गिवन यू द रेशियो आल्सो, व्हाट इज द रेशियो, आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/5, सो यू कैन राइट इट डाउन, आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/5, यू हैव गॉट अ कॉमन हियर, कॉमन हियर, सो आर एस अपॉन एक्स वाई 3/5 दिया हुआ है, आर एस का वैल्यू 4.5, एस टी का वैल्यू 5.7, ये तीनों चीज हम लोग को टेक्स्ट बुक में दे आर गिवन इट टू अस लाइक दिस वे। So R S upon X Y we got it here. So what we can do? एक बार हम लोगों ने लिखा था सी ए एस टी करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, इन द सेम मैनर हम लोग क्या करेंगे पता है, अभी आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एस टी अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू व्हाट इट विल बी, वी कैन डायरेक्टली राइट इट डाउन सी एस एस टी करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। बाद में हम उनका वैल्यू डाल देंगे, तो व्हाट इज द वैल्यू गिवन टू अस, देयरफॉर 3/5 इज इक्वल टू एस टी का वैल्यू कितना हमारे पास, एस टी का वैल्यू है 5.7 अपॉन वाई जेड, क्योंकि वाई जेड का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। सो अगेन वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, वाई जेड इज इक्वल टू 5 × 5/7, 5.7 के साथ मल्टीप्लाई होगा डिवाइड बाय 3, सो बोथ आर गोइंग इन विच टेबल, बोथ आर गोइंग इन द टेबल ऑफ 19, 3 × 1 = 3, 3 × 19 = 57, सो आई राइट ए 1.9, सो 5 × 1.9 कितना होता है, इट इज 95, सो आई कैन राइट हियर 9.5 सेंटीमीटर। सो मेरा वाई जेड का वैल्यू आया 9.5 सेंटीमीटर। अभी आर एस का वैल्यू है 4.5, आर एस का वैल्यू, एक्स वाई का वैल्यू कितना, तो हम लोग क्या करेंगे पता है, हम लोग लिखेंगे वापस आर एस अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/5, ये हम लोग को दिया हुआ है रेशियो, सो आर एक्स का जो वैल्यू है 4.5, तो उसके जगह पर हम लोग डाल देंगे 4.5 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 3/5, तो मेरा एक्स वाई का वैल्यू क्या आएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 5 मैं करूंगा डिवाइडेड बाय 3, सो राइट इट हियर, देयरफॉर एक्स वाई इज इक्वल टू 4.5 × 5 एंड आई कैन डिवाइड बाय 3,
4.5 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3। सो ये 3 के लिए अपन में जाता है 3 1 जा 3 15 जा 45। सो आई एम गेटिंग ये 1.5। सो 15 इनटू 5 कितना होता है 75। सो आई कैन राइट हियर इज इक्वल टू 7.5। तो मेरा एक्स वाई का वैल्यू है 7.5। आई विल राइट हियर एक्स वाई वैल्यू है 7.5। सो वेरी इजी। Now, based on these values only, we will be constructing the triangle here. So, for constructing the triangle, हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? पहले base draw करो. Base क्या है? Triangle RST का. ST base है, जिसका value है हमारे पास 5.7. So, we will draw first that triangle. पहले आप लोग base draw कर दो ST as 5.7 सेंटीमीटर पर ड्रॉ कर दो, बराबर है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग प्रोटेक्टर लेंगे, प्रोटेक्टर से 40 डिग्री का मेजरमेंट लेंगे, एस से हम लोग 40 डिग्री कहां तक आते हैं वो हम लोग पहले मार्क करेंगे प्रोटेक्टर से। सो फॉर एग्जांपल यहां तक मार्किंग होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहां तक, बराबर है। तो मेरा एंगल एस का वैल्यू आया 40 डिग्री। ऐसे 40 डिग्री का मार्किंग करो प्रोटेक्टर से, देन ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, देन अगेन व्हाट यू डू, टेक अ राउंडर, टेक द मेजरमेंट ऑफ 4.5। एसआर का वैल्यू कितना है, 4.5 है, तो फिर राउंडर से 4.5 का मेजरमेंट ले लो, जो पॉइंटेड पार्ट आता है राउंडर का एस पे रखो और पेंसिल पार्ट से कट कर दो ऑन दिस लाइन। Then you join both the points, this point and the point T, you can join it up. So when you are joining, you are getting the triangle. The name of the triangle is RST. The value of RS is 4.5 centimeter. So like this way, you can construct a triangle for RST. अब हम लोग क्या करेंगे? X, Y, Z का measurement से हम लोग अभी triangle draw करेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे पता है, हम लोग पहला बेस निकालते हैं। हम लोग बेस इज हाउ मच, बेस यू हैव टू ड्रॉ इज 9.5 सेंटीमीटर का पहला बेस निकालो। उसके बाद प्रोटेक्टर ले लो, वाई का मेजरमेंट है हमारे पास 40 डिग्री, टेक द एंगल ऑफ 40 डिग्री एंड ड्रॉ स्ट्रेट लाइन हियर। प्रोटेक्टर से 40 डिग्री का मेजरमेंट लेके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। उसके बाद देखो डायग्राम, रफ डायग्राम में क्या हेल्प किया था हम लोग ने, वाई एक्स का वैल्यू था 7.5, तो फिर राउंडर ले लो 7.5 सेंटीमीटर का, टेक द मेजरमेंट, जो पॉइंटेड पार्ट था वाई पे रख दो पॉइंटेड पार्ट, और जो पेंसिल वाला पार्ट है ये जो स्ट्रेट लाइन है ना 40 डिग्री वाला, वहां पे कटिंग कर दो। तो जहां पे कट हो जाता है दिस पॉइंट एंड जेड पॉइंट, यू कैन जस्ट कनेक्टेड, दोनों को ज्वाइन कर दो। सो दिस बिकम्स माय एक्स एंड दिस बिकम्स माय 7.5 सेंटीमीटर, ये हो गया 40 डिग्री, वाई जेड हो गया 9.5 सेंटीमीटर। सो वेरी इजी सम चेंजेस एंड यू ड्रॉ एरो मार्क आल्सो हियर। सो लाइक दिस वे वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल सी टू क्वेश्चन नंबर 4।